नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आपके आने वाले वो टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन जो कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर होने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि आने वाले इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यह देखना है कि क्या आप भी इन 15 एग्जाम्स में से किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या आप भी इन एग्जाम्स में से कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर इस बार आपका वो एग्जाम 100% क्रैक कराना है और आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इस बार 100% होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम इन टॉप 15 एग्जाम्स को मोस्टली टारगेट करने वाले हैं, मोस्टली फोकस करने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं, जैसे कि उस प्रॉपर एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, उस एग्जाम के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपको आपका एग्जाम क्रैक कराने में 100% हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बार तो आपको सिलेक्शन दिलाना ही है। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको एक एक एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही उसका टेंटेटिवली एग्जाम कब तक हो सकता है वो भी बताऊंगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और हम अपने वीडियो का जो मैनेजमेंट है उसी तरीके से कर सके। साथ ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम नंबर 15 है DRDO MTS एग्जाम 2020। मेरे ख्याल से जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सब ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। 1817 वैकेंसी आई थी। आज ये एग्जाम सभी लोगों का फेवरेट बना हुआ है और सब लोग इस एग्जाम का होने का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक तक 100% हो जाएगा। तो आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी रखनी है और इस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम से बेस्ट आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ दीजिए, बस टारगेट इस एग्जाम को बना लीजिए। इस बार आपको ये एग्जाम 100% क्रैक करना है। एग्जाम नंबर 14 है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। 2019 जनवरी में वैकेंसी आई थी, फिजिकल जुलाई 2019 में हो चुका है, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी एग्जाम डेट वैसे आ चुकी है अनऑफिशियली, एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, लगभग 25 अप्रैल के बाद। तो आपको इस एग्जाम की तैयारी में दोबारा से लग जाना चाहिए अगर आपने यहां पर थोड़ा फोकस करना छोड़ दिया था। आपको वीडियोस बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग मिलने वाली है, बहुत जल्द स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप अपना टारगेट इस एग्जाम को रखिए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस जरूरी है कि आपका मेन टारगेट CISF हेड कांस्टेबल एग्जाम होना चाहिए, बहुत ही अच्छी जॉब है, सेंट्रल लेवल की डिफेंस जॉब आपकी मानी जाती है। एग्जाम नंबर 13 है DSSSB वेरियस पोस्ट एग्जाम। हाल ही में DSSSB के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, जैसे कि आपकी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की थी, सब इंस्पेक्टर की, साथ ही आपकी जूनियर क्लर्क स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। वैसे DSSSB जूनियर क्लर्क की एग्जाम डेट आ चुकी है, अप्रैल मंथ से आपका एग्जाम स्टार्ट है, लगभग 13 अप्रैल से। और जो बाकी आपकी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर या फिर स्टेनोग्राफर या फिर असिस्टेंट की, उनके भी एग्जाम डेट आपकी आने वाली है। लगभग आपके सभी पोस्ट के एग्जाम जून मंथ तक हो जाएंगे। तो इस एग्जाम को भी हम मेनली फोकस करने वाले। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया था तो एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुट जाइए। एग्जाम नंबर 12 है CCRES LDC एंड UDC एग्जाम 2020, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस के अंदर एक वैकेंसी निकली थी, शायद आपको याद हो, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर लगभग 66 के आसपास वैकेंसी थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसका एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एग्जाम शायद मार्च में तो नहीं हो पाएगा और अप्रैल मिड तक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कंडीशंस पता है, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो एग्जाम आपका लगभग अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाएगा। तो जो ज्यादा कैंडिडेट की शिकायत आ रही थी कि इस एग्जाम के ऊपर वीडियो लेकर आइए, तो आपके इस एग्जाम के लिए भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो बेफिक्र रहिए, एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मैं आपको बता दूं, एग्जाम स्पेशल इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिशन इस एग्जाम के लिए काफी कम रहेगा, बहुत कम कैंडिडेट ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो अपना मेन टारगेट इस एग्जाम को बनाए
बनाए रखिए अगर आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। एग्जाम नंबर 11 है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2020। नवंबर 2019 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट बेसब्री से इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम तो आपका लगभग मार्च या फिर अप्रैल तक होना था, लेकिन कंडीशंस के चलते एग्जाम थोड़ा बहुत आपका डिले हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, भले ही दिल्ली के अंदर है तो एग्जाम आपका जरूर होगा। एग्जाम आपका वही अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई तक हो जाएगा। बस आप तैयारी रखिए, आपको पता होना चाहिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है और ना ही कोई छोटी मोटी पोस्ट है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है। और अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी लाइफ तो एकदम जबरदस्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम को भी हम टारगेट करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। बस आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए, बाकी हम अपनी तरफ से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली है। एग्जाम नंबर 10 है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2020। फ्रेंड्स इस एग्जाम के तो लिए लोग पागल है, क्योंकि 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी थी और 1,15,00,000 लगभग कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। बस सब एक साल से बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। फ्रेंड्स आपको ये नहीं देखना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है 1,00,000 वैकेंसी तो एग्जाम तो ऐसे टलेगा नहीं, एग्जाम तो आपका 100% होगा, बड़े लेवल पर होगा। अभी तो एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, अप्रैल या फिर मई तक आपका ये एग्जाम 100% हो जाएगा, क्योंकि वेंडर आपका सिलेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही आपका वेंडर सिलेक्ट होता है आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो इस एग्जाम को तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अभी 4 या 5 दिन बाद से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो इस एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वेट करिए और अपनी तरफ से प्रिपरेशन में कोई भी कमी मत छोड़िए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सिलेक्शन पोस्ट है, इस बार आपका इसमें सिलेक्शन जरूर होगा। 2018 के कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन बिल 50% कम रहने वाला है। तो टारगेट मत खोइए, चांस मत खोइए, फोकस रखिए, आरआरसी ग्रुप डी सिलेक्शन जरूर होगा। नंबर 9 पर आता है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020। तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आपको अवेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट एक्साइटेड है कि एग्जाम कब तक होगा, हमें इसी में सिलेक्शन चाहिए। तो फ्रेंड्स एग्जाम बड़ा जबरदस्त रहने वाला है आपका, मई या फिर अप्रैल या फिर जून तक एग्जाम 100% हो जाएगा। कार्रवाई चली हुई है, रेलवे की तरफ से नोटिस आ चुका है कि आने वाले कुछ ही महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस एग्जाम के ऊपर भी हम मेनली फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो इस एग्जाम को हम फर्स्ट टारगेट रखने वाले हैं। तो आप तैयारी रखिए अपनी तरफ से जबरदस्त वाली, आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं, टॉप स्कोरिंग टॉपिक स्ट्रेटजी और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। एग्जाम नंबर 8 रहने वाला है डीडीए वेरियस पोस्ट एग्जाम 2020, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर वैकेंसी आने वाली है 23 मार्च 2020 को। इसके अंदर आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आएगी, स्टेनोग्राफर की आएगी, पटवारी की आएंगी और भी काफी सारी डिफरेंट वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 10, 12th और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट को चांस मिलने वाला है। तो इसका एग्जाम भी आपका लगभग मई, जून या फिर जुलाई तक होगा। तो इस एग्जाम को भी हम टारगेट बनाने वाले हैं, लगभग 629 वैकेंसी है, तो बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी को लेकर अभी से एक्साइटेड है। तो हमने सोचा क्यों ना इस एग्जाम को भी टारगेट बनाया जाए और टॉप 15 एग्जाम में डाला जाए। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो बेफिक्र रहिए, हमारी तरफ से आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी पूरी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएगी। नंबर 7 पर आता है एसएससी सीपीयू एग्जाम 2020। फ्रेंड्स 17 अप्रैल से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो बेफिक्र रहिए, आपका इस बार इसी वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस एग्जाम को भी हम मेनली फोकस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंपॉर्टेंट स्ट्रीम मटेरियल और टॉप स्कोरिंग टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस आने वाली है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, भले ही आपका एग्जाम सेप्टेंबर में हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी, लग जाइए तैयारी में, जबरदस्त वैकेंसी है अगर आपको भी डिफेंस ज्वाइन करना है एज अ सब इंस्पेक्टर। नंबर 6 पर आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020। आप सब लोगों को पता है 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। हाल ही में दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली नोटिफिकेशन एक्सचेंज हो चुका है, लगभग 6,000 के आसपास आपकी वैकेंसी अप्रैल, मई या फिर जून के मंथ तक ऑनलाइन हो जाएगी। तो अभी से हम इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, इस एग्जाम को फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बड़े लेवल का एग्जाम होता है, बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एक्साइटेड बैठे हैं और फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और अभी से हम आपके लिए वीडियोस लाना और इस एग्जाम को फोकस करना स्टार्ट करने वाले हैं।
नंबर 5 पर आता है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2020। आपको तो पता है हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है, बहुत ही बड़े लेवल का एग्जाम है। तो काफी सारे लोग की कमेंट आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि इस एग्जाम के लिए इस बार स्पेशल तरीके से कुछ वीडियोज लेकर आइए। तो फ्रेंड्स हमने सोचा इस एग्जाम को भी टारगेट करेंगे। वैकेंसी जो स्टार्ट हो रही है 22 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो तभी से आपके लिए इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप तैयार रहिए। नंबर 4 पर आता है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2020। आप सब लोगों को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर लगभग 5623 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो बहुत ही बड़े लेवल की वैकेंसी होने वाली है क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन भी ले जाते हैं। तो काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आइए, तो हमने सोचा क्यों ना इस एग्जाम को भी इन टॉप 15 एग्जाम में डाला जाए। तो फ्रेंड्स वैकेंसी आपकी आने वाले अप्रैल या फिर मई तक 100% आ जाएगी क्योंकि बहुत ही हाई पर ये वैकेंसी रखी हुई है, जल्दी वैकेंसी आपकी आने वाली है, न्यूज आपकी ऑलरेडी आ चुकी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो अभी से आपको इस एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा, भले ही अभी फॉर्म स्टार्ट ना हुए लेकिन अपना टारगेट एग्जाम को बना लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के ऊपर सिलेक्शन लेना बहुत ही बड़ी बात आपके लिए होने वाली है। नंबर 3 पर आता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020। फ्रेंड्स इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट एक्साइटेड हो चुके हैं, सितंबर 2019 में भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे जो कि एग्जाम आपका मई में होने वाला है। साथ ही नई वैकेंसी 2020 के लिए भी आपकी अगस्त में आने वाली है, फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट एक्साइटेड है। तो जिन लोग का मई में एग्जाम है या फिर जो लोग अगस्त में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तैयार हो जाइए, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हैं एग्जाम को क्रैक कराने के लिए भी और साथ ही स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसे क्लियर करें। तो बेफिक्र रहिए, आप अपनी तरफ से तैयारी में लगे रहिए, हम अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 2 पर आता है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020। फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस जो कि बहुत ही डिजायरेबल वैकेंसी होती है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट की मनपसंद वैकेंसी होती है, तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये वैकेंसी 2 जून को आने वाली है। फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है। तो हमने इन टॉप 15 एग्जाम में एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी डाला हुआ है क्योंकि ये एग्जाम भी इस बार आपका क्रैक कराना है। तो फ्रेंड्स आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए लेकिन आपको अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी है अगर आपको एग्जाम ये इस बार क्रैक करना है। बहुत ही सारी वीडियोस आपको अभी से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फाइनली आती है वैकेंसी नंबर 1 जो कि है एसएससी सीएचएसएल एलडीसी डीओ एग्जाम 2020। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे इस वैकेंसी के लिए तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मार्च में एग्जाम था पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वैकेंसी आपकी 2020 में आएगी। 30 नवंबर 2020 को ये वैकेंसी फिर से आ रही है आपके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर। जिन लोगों ने 2019 में मिस कर दिया था या फिर जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चलते फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो बेफिक्र रहिए वैकेंसी दोबारा से आ रही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आपको अभी से इस वैकेंसी के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स बहुत वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक, स्ट्रेटजी, तो आपको अपनी तरफ से इस एग्जाम की अभी से तैयारी कर देनी है। चांस आपके हाथ में, बहुत टाइम है, अभी से तैयारी में जी जान लगाकर लग जाइए, इस बार आपका यह एग्जाम क्रैक हो जाएगा 100%। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में टॉप 15 एग्जाम जिनको हम आने वाले 3 मंथ्स के अंदर मोस्टली फोकस, मोस्टली टारगेट करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आपके लिए इन एग्जाम्स को लेकर आने वाले हैं, चाहे वो आपका स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हो या फिर एग्जाम को कैसे क्रैक करें, सभी टाइप के वीडियोज आपके लिए आएंगे। फॉलो करते रहिए, इस बार आपका जो भी एग्जाम हो वो क्रैक कराना है बहुत ही अच्छी वीडियोज के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, आपको बताना चाहता था जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।